हेलो एवरीवन, तो आज हम रक्षाबंधन के लिए आपके साथ पांच स्वीट्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिनको आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं और इनमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बना रहे हैं खोए और नारियल के लड्डू। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी खोआ लिया है। अगर आप मार्केट वाला खोआ यूज़ कर रहे हों तो उसे थोड़ी देर के लिए गैस पर कढ़ाई में रख के चला लें तो लाइट बाउंड ना हो जाए और उसे ठंडा होने दें। इसमें डाला है एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। साथ में डालेंगे हम एक कटोरी, इसमें हमने बूरा डाला है। आप इसमें मीठे के लिए पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हम चला छह हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो हाथ में हम इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितने लड्डू हमें जितने बड़े लड्डू हमें बनाने हैं, और इस तरीके से हम लड्डू की शेप देते हुए दोनों हाथों के बीच में रोल करते हुए इनको लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो लड्डू है वो एकदम बनकर तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसमें हमने यहाँ पर सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है, खोआ, साथ में डाला है इसके बूरा, और उसके साथ हमने डाला है यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो हमारे जो खोए के लड्डू हैं वो बनकर तैयार हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारे नारियल के लड्डू। ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं, नारियल और गुड़ के लड्डू हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई में घी लिया है। अब इसमें डालेंगे हम काजू। यहाँ पर आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इनको लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। तो यहाँ पर काजू जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे बादाम, और बादाम को भी चलाते हुए हल्के से लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करें। ये बादाम जो है ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें डाला है मैंने नारियल। नारियल को मैंने यहाँ पर गेट करके यूज़ किया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। इन सब चीज़ों को हमें स्लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। अब हम एक बाउल में लेंगे गुड़। यहाँ पर मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है। इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, और इसको हमें मेल्ट करना है जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसके हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमें जब तक मेल्ट करना है तब तक गुड़ जो है अच्छे से एकदम मेल्ट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर हमने कोकोनट में डालेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, तो उनको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो अब गुड़ की चाशनी बनाकर रखी है उसको भी हमें डालना है इसमें। यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्लैक्स सीड डाले हैं, ये रोस्टेड फ्लैक्स सीड हैं, आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और हम थोड़ी थोड़ी जो गुड़ की चाशनी है उसको हम डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें चाशनी उतनी ही डालनी है जिससे जो हमारे लड्डू हैं वो अच्छे से बन जाएं। तो आप थोड़ी थोड़ी करते हुए चाशनी डालें। अब यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा घी, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मिक्सर को ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए मिक्सर यहाँ पर जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हाथों पर हम लगाएंगे घी, और इस पर हम जितने बड़े हमें लड्डू बनाने हैं उतने पोर्शन लेकर हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो है ना बहुत टेस्टी रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाली, तो आप इसे भी एक बार ज़रूर बनाकर देखें। नेक्स्ट रेसिपी है हमारे ब्रेड की। हम मिठाई बना रहे हैं, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। तो मैंने यहाँ पर ली है वाइट ब्रेड, आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम इस तरीके से चार पार्ट में कट कर लेंगे, ये देखिए। अब हम एक कढ़ाई में घी लेंगे, और घी में हमें इन ब्रेड को लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से क्रिस्प करारी नहीं होती जब तक हमें रोस्ट करना है। तो इनको पलटते हुए अच्छे से रोस्ट कर लें जब तक ये ब्रेड जो है अच्छे से सिक नहीं जाती। तो ये देखिए ब्रेडों पर अच्छे अच्छे सा कलर आने लगा है, लाइट ब्राउन कलर इस पर आने लगा है। यहाँ पर जो है ब्रेड है वो अच्छे से सिक चुकी हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम इनके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है 1/2 कप ली है हमने यहाँ पर पिसी हुई मिश्री। इसमें डाला है 1/4 कप पानी, और जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती इसमें हमें चलाना है और मेल्ट करना है। तो यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है, हम ब्रेड के स्लाइस को इसमें डिप करेंगे, और इनके बीच में हमें लगाएंगे खोआ। तो यहाँ पर हम सारी ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से डिप कर लेंगे। तो हमारी सारी ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो हम चाशनी में अच्छे से डिप कर ली हैं। अब इनके बीच में हमें खोआ लगाना है, और एक सैंडविच की तरह हम इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे बंद कर दें। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम सारी ब्रेड
को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सारे ब्रेड हैं उनको हमने फिल कर लिया है। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग करेंगे। आप मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स पर गार्निश के लिए डाल सकते हैं। तो हमारी जो ब्रेड की मिठाई है वो भी बनकर तैयार है। इन सारी मिठाइयों को आप रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाकर देखें, ये बहुत ही जल्दी बनती हैं। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं सेमिया की बर्फी, जिसको मैंने बनाया है दो तरीके से। यहाँ पर मैंने सेमिया की बर्फी को गुड़ और मिश्री जो होती है उसके साथ बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ली है एक कटोरी सेमिया, इनको हमें स्लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से लाइट ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। तो यहाँ पर सेमिया जो है अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में लेंगे घी, और मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को बारीक चॉप कर लिया है, इनको भी चलाते हुए स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और लेंगे और इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, या इसमें हमने यहाँ पर कोकोनट जो है उसको घिस लिया है, इसको भी स्लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट करना है। तो ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया है, स्लो फ्लेम पर ही हमें सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करना है। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम लेंगे खोआ, और खोए को हमें अच्छे से गरम करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लें। तो यहाँ पर देखिए खोआ एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम सारी चीज़ों को डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखी हैं, और इनको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मैंने इसमें से आधा पोर्शन निकाल लिया है जो मैं गुड़ से बनाऊँगी, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पिसी हुई मिश्री, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिश्री जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें जिससे सारी चीज़ें जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच घी, और इनको हम अच्छे से चला कर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक प्लेट को अच्छे से घी लगा कर ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर घी लगा के हमने इस प्लेट को ग्रीस कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर को डालेंगे और एक कटोरी पर इस तरीके से घी लगा कर इसको प्रेस करते हुए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सेट होने के लिए रख दी हैं। ठंडा होने पर इसके इस तरीके से पीसेस कट कर लेंगे, और हमारी जो बर्फी है वर्मिचली या सेमिया की जो बर्फी है वो बनकर तैयार है। अब हम इसी बर्फी को हम बना रहे हैं गुड़ के साथ में। गुड़ के साथ भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो हमने मिश्री यूज़ की थी उसकी जगह हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसी मिक्सचर में डाल दिया है गुड़, और गुड़ को चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है जब तक गुड़ जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और इस तरीके से कटोरी से दबाते हुए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे पीसेस में कट कर लीजिए। ये देखिए ये भी बनकर तैयार है, ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमारी गुड़ की जो बर्फी है वो बनकर तैयार है। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, आपने चीनी छोड़ रखी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी पीनट की कतली, जिसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पीनट्स ली हैं, इनको हमें स्लो फ्लेम पर चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। तो ये पीनट को चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लें। अब हम पीनट का हम जो है इस पर से जो छिलका है उसको रिमूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे पीनट्स को एक कपड़े में लिया है, और इस तरीके से मसलते हुए हम इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास बिना छिलके वाली पीनट हो तो आप उनको रोस्ट कर लीजिए, आपको छिलका रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए हमारी सारी पीनट्स पे जो छिलका है वो रिमूव हो चुका है। अब हम इनको हमें ग्राइंड करना है, तो अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे, इन्हें हमें पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे, एक साथ नहीं चलाना है। अगर हम इसे एक साथ चला देंगे तो पीनट जो है वो ऑयल छोड़ देगी और थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे ग्राइंड कर लें, और एक छलनी की हेल्प से इसे छान लेंगे, जिससे मोटा मोटा जो पोर्शन है वो हम इससे अलग निकाल देंगे। अब इसमें डाला है मैंने एक पैकेट जो 10 रुपये वाला आता है मिल्क पाउडर, और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर चाशनी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए है 1/2 कटोरी चीनी, और साथ में डाला है 1/4 कप पानी, और इसके हम चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर हमें इसकी जो एक तार की सी चाशनी होती है वो हमें बनानी है। तो यहाँ पर ये बन चुकी है, इस तरीके से आप इसे मेल्ट कर लें अच्छे से। अब इसमें हमने जो पीनट और मिल्क पाउडर को मिला के रखा है उसको डाल देंगे, और स्लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर को ग्रीस कर लिया है, और उस पर इस तरीके से हम एक बेलन की हेल्प से इसे रोल कर लेंगे।
तो ये देखिए एकदम अच्छे से रोल हो गई हैं। अब इसे हम काजू कतली की जो शेप होती है उस शेप में काट लेंगे, तो हमारी बहुत ही टेस्टी पीनट की जो कतली है वो बनकर तैयार है। ये देखिए, अगर आपको सारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को